हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन. आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 क्लास 11 बायोलॉजी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के नेक्स्ट पार्ट विच इज योर एनाटॉमी ऑफ द अर्थवर्म. हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी देख ली है. मॉर्फोलॉजी वी हैव सीन ऑल्सो ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच. इनके हिसाब से मिस हुई आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं. आज हम बात करेंगे अपने अर्थवर्म की, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड कहलाया जाने वाला अर्थवर्म. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ एनाटॉमी. द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेल्युलर क्यूटिकल बिलो विच इज द एपिडर्मिस. टू मसल लेयर्स सर्क्युलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल एंड एन इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथीलियम. अगर आपको याद हो मैंने पहले भी कहा था फाइलम है एनेलिडा. ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट्स जो है बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है. रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमने बात की थी यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है एंड देयरफॉर फाइलम का नाम ही एनेलिडा है. लैटिन में एनुलस मींस रिंग्स. अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे है सिलोमिक एपिथेलियम है. यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आपका अर्थवर्म होता है इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट, इट इज टिप्लोब्लास्टिक एंड इट इज ऑल्सो सिलोमेट. यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट है. अब ये हमको क्या कह रहे हैं, नॉन सेलुलर क्यूटिकल से पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड है, मतलब रिंग्स है. ठीक है, उसके ऊपर एक पूरा एंटायर क्यूटिकल है. नो क्यूटिकल से फायदा क्या होगा, क्यूटिकल से फायदा ये होगा कि आपका अर्थवर्म जब मूव करेगा, ठीक है, तो बिकॉज इट इज गोइंग टू सर्वाइव इन अर्थ सॉइल में, तो कहीं भी उसकी स्किन जो है वो आसानी से मूव कर जाएगी. नाउ क्यूटिकल जो होता है थोड़ा सा वैक्सी होता है. दिस क्यूटिकल इज अ लिटिल वैक्सी. ठीक है, हम लोगों ने लीव्स पे जैसा क्यूटिकल देखा है उसी टाइप का थोड़ा सा चिकना सा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है इसको बहुत ज्यादा चिपक के नहीं रहती. ठीक है, नाउ टू मसल लेयर्स हैं, एक है सर्क्यूलर और एक है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल. ठीक है, The epidermis is made up of a single layer of columnar epithelial cells which contain secretory gland cells. Columnar epithelium, अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके से हमने देखा था. ठीक है, न्यूक्लियस भी देखे थे. ये आपका जो एपिडर्मिस है जो हम कह रहे हैं ना दो मसल लेयर्स में बना है, आपकी सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडनल, वो भी आपके पर्टिकुलरली किससे बना है, कॉलमनार एपिथीलियम, लंबे लंबे कॉलम्स इफ यू ऑल रिमेम्बर. ठीक है, अब इनके अंदर क्या बताया गया है, सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स, राइट, दे नीड टू सिक्रीट समथिंग. अब ये क्या सिक्रीट करेंगे ये हम देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज समझ लेना है, सिक्रीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लेयर है ऊपर उसको मूवेबल रखना है. ठीक है, नाउ द एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब एंड रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि राइट फ्रॉम द माउथ टू द एनस आपको यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल थ्रू आउट दिखेगी. ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ ऊपर से लेके बीच में कहीं खत्म हो गई है, फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट थ्रू आउट द बॉडी आपको यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल रही है. A terminal mouth opens into the buccal cavity, first to third segment, which leads into the muscular pharynx. अगर आप यहाँ पे देखोगे first, second, third, ठीक है? Okay, wait a minute. First, second and third, ये है आपका mouth buccal cavity. Next जो आ रहा है this portion, ठीक है? ये जो थोड़ा circular सा है, this is your pharynx. ठीक है? Now pharynx का काम क्या है? You have to कमेंट. फैरिंग से आपका कहीं ना कहीं जो आपकी एयर के साथ चीजें हैं वो रिलेट होंगी, राइट. अ स्मॉल नैरो ट्यूब ईसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट्स कंटिन्यूज इनटू अ मस्कुलर गिजर्ड व्हिच इज एट 8 to 9 सेगमेंट्स. सो यहाँ पे आपकी किस पे 5 to 7 यानी अगेन 3. ठीक है, 5 to 7 में आपकी दिखेगी आपको ईसोफेगस. 8 और 9 सेगमेंट जो है, 9 सेगमेंट थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी बोट शेप्ड है. ठीक है, सो वो जो 8 और 9 सेगमेंट है वो है आपका गिजर्ड. नाउ गिजर्ड आपने बर्ड्स में भी सुना होगा. ठीक है, क्रॉप एंड गिजर्ड हम आगे पढ़ेंगे भी, व्हेन वी विल लुक इट टू कॉकरोच तब भी आपको समझ में आएगा. यहाँ मेजर ग्राइंडिंग की तरह यू कैन से एक और जो फर्दर मिक्स करने का प्रोसेस है ऑफ द फूड वो होगा. ठीक है,
इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स. नाउ अर्थवर्म जो है हमारा, ठीक है, डेट्रिटिवोर है. डेट्रिटिवोर, ठीक है, यानी कि जो आपकी सॉइल है वो उसको खाता जाता है. सी व्हेन सॉइल जो है यहाँ पे अर्थवर्म यहाँ से घुसेगा और जब निकलेगा तो ये जो निकलने का प्रोसेस है इट इज कंटिन्यूअसली ईटिंग द सॉइल. वो सॉइल खा रहा है, डेड एंड डिकेइंग लीव्स जो है आपकी वो खा रहा है, एंड देन इट इज रिमूविंग इट थ्रू द एनस. तभी उसमें जो आपका नाइट्रोजन है वो आ रहा है, जो ह्यूमस हम बात करते हैं, ठीक है, जो अमॉर्फस डार्क लिक्विड बोल रही हूँ, अमॉर्फस डार्क आपका जो एक सॉइल का रूप है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो आपके अर्थवर्म के थ्रू ही बाहर आते हैं. ठीक है, सो क्या कह रहे हैं कि जो आपका गिजर्ड है वो आपकी ग्राइंडिंग में हेल्प करता है. जैसे मैंने आपको बताया सॉइल को भी ग्राइंड करने की जरूरत है. नाउ द अर्थवर्म इज जस्ट ईटिंग, माउथ है, यहां से अर्थवर्म ने एक तरीके से ले लिया. इस पोर्शन में आके, ठीक है, इस पोर्शन में जो आके आपकी सॉइल है प्लस आपकी जो लीव्स है डेड एंड डिकेइंग अगेन, यहाँ पे उनकी ग्राइंडिंग होगी. जैसे कैसे हम लोग मिक्सर जार्स एंड ग्राइंडर्स यूज करते हैं सो दैट दे बिकम अ फाइन पाउडर. ठीक है, ह्यूमस को जब मैंने कहा, ह्यूमस वर्ड जब मैंने यूज किया आपके लिए, तब मैंने कहा इसको कि दिस इज अमॉर्फस. अमॉर्फस इज पाउडर लाइक, क्रिस्टलाइन नहीं कहा मैंने, पाउडर लाइक सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन नहीं है. सो ये जो क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट से अलग हटके आपका अमॉर्फस बन रहा है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर गिजर्ड. ठीक है, चले. द स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट. सो यहाँ पे 9 से लेके 14 सेगमेंट तक ये जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिस वुड बी योर स्टमक. सो इतना पोर्शन जो आ रहा है आपका ये क्या कहलाया जाएगा, ये आपका बीच में होगा. मैं सारी सेगमेंट्स पे मार्क कर रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड विच सेगमेंट्स आर देयर. ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, दिस इज योर स्टमक. ठीक है, अब ये क्यों, जब आप देखोगे बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ से जब माउथ शुरू हो रहा है, ठीक है, माउथ बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी के बाद हमने देखा फैरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस के बाद क्या आया, मेन चीज गिजर्ड एंड देन योर स्टमक. सो दिस इज द होल यू कैन से रूट, और जिसकी थ्रू आपकी सॉइल डेड एंड डिकेइंग लीव्स जो है वो पास होती जाएंगी. ठीक है, द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विद द सॉइल. मैंने यहाँ लिखा है ना डेट्रिटिवोर, दिस इज अ रीजन जो आपका अर्थवर्म है वो डेट्रिटिवोर क्यों कहा जाता है. जितनी भी आपकी डेड एंड डिकेइंग सॉइल में लीव्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कुछ अगर आपके इंसेक्ट्स वगैरह से या आपके बैक्टीरिया से बच गया है, वो अर्थवर्म खा के उसको बाहर निकाल देता है. ठीक है, द होल प्रोसेस यहाँ से होके गुजरता है. इसकी वजह से जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है स्पेशली नाइट्रोजन वगैरह, ये ऐड हो जाते हैं, एंड हेंस वो जो है ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो जाती है सॉइल. किस तरीके से, यहाँ पे क्योंकि मिक्सिंग हो रही है. अगर आप यहाँ पे बात करोगे, ठीक है, अगर यहाँ की बात करोगे ओवर हियर गिजर्ड, बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है. ग्राइंडिंग जैसे कि आप, मिक्सर तो है ही, अगर आप देखो कि चीजें बनाई जाती हैं जो पीसी जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सॉइल में बहुत अच्छे से आपके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, एंड हेंस आपकी सॉइल जो है दैट विल बिकम रियली रिच विद न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, कैल्सिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस. नाउ अब ह्यूमस जो है हमने कहा अमॉर्फस है, डार्क है, बट इट इज नॉट एसिडिक. क्यों? क्योंकि जो आपके कैल्सिफेरस ग्लैंड्स है कहाँ प्रेजेंट है, अगर हम बात करें स्टमक में, ठीक है, सो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स जो हैं वो आपके ह्यूमिक एसिड को एकदम ही खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमस एसिडिक नहीं होती. अगर ह्यूमस एसिडिक होगी तो प्लांट्स के लिए उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफेरस ग्लैंड्स द ह्यूमिक एसिड इन देम इज न्यूट्रलाइज, या फिर उसको खत्म कर दिया जाता है. ठीक है, चलिए. Now, intestine starts from the 15th segment onwards and continues till the last segment. So, अगर मैं यहां से बात करूं, हमने यहां तक देखा था, ठीक है, ये आपका जो था स्टमक था, 15th segment से स्टार्ट होते हुए ये कंटिन्यूसली नीचे तक आपका क्या है, इट इज योर इंटेस्टाइन. यहाँ पे ये इसकी बात हो रही है मेजर, जो बीच में येलो पोर्शन है, ये नहीं कि यहाँ पे भी आपका स्टमक का इंटेस्टाइन है ना. 1 to 3 माउथ बकल कैविटी, 3 to 5 आगे आपका क्या था,
फैरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है, गिजर्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है. माउथ, माउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, देन योर बकल कैविटी. बकल कैविटी के बाद हमने क्या देखा, फैरिंग्स, देन योर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आया आपका स्टमक, एंड स्टमक के बाद आई आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है, ये 1, 3, 5, ठीक है, फिर आपकी 7 में, मतलब यहाँ पे देन स्टमक केम एट योर विच, गिजर्ड बीच में आया है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, गिजर्ड, ठीक है, गिजर्ड को अलग से याद रखो तो बहुत बेहतर होगा. ये वाला जो रास्ता है मैं इसे लिख रही थी बिकॉज इट इज द सेम एज अस, ह्यूमंस की तरह ही है कुछ कुछ, है ना, बस गिजर्ड बाद में याद रखो, स्टमक के जस्ट पहले, ताकि वहां प्रॉपर ग्राइंडिंग जो है वो अलग से एक आपके अर्थवर्म की स्पेशलिटी है, इस तरीके से आपको याद रहे, ठीक है. नाउ A pair of short and conical intestinal cheekae project from intestine on the 26th segment. तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 26th segment है, यहां से, ठीक है, start हो रहा है, sorry, यहां से start हो रहा है एक, और ये दूसरा पेयर है, यानी दो है, obviously बात है, right? So यहाँ पे जो हमारे cheekae हैं, they are starting 26th segment से, और अगर बनाने की बात हो, then you can draw them up till the 22nd segment. ठीक है, अब ये पेयर है, सिंगुलर को कहेंगे सीकम, ठीक है, जैसे हम लोगों में भी सीकम होता है, किसका पार्ट होता है, मेंशन डाउन इन द कमेंट्स. इसके में अगर दो हैं तो हम उनको क्या कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं सीके, प्लूरल, ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd टू 25th सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल कॉल्ड टाइफ्लोसोल. अब ये जो टाइफ्लोसोल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्री टाइफ्लोसोलर पार्ट, यहाँ पे क्या दिया है आपकी 23rd टू 25th, यहाँ पे आपका टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो मेंशन किया है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके किसका, अर्थवर्म का, इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थवर्म. दिस इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन. जिस तरीके से हम लोगों में विलाय होते हैं, ठीक है, फोल्ड होते हैं जो हमारे, इस तरीके से, इसी तरीके से आपके यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइफ्लोसोल. अब इसमें एक प्री टाइफ्लोसोलर रीजन है जो आपका ऊपर की तरफ दिखाई देगा 17 सेगमेंट के पास, जहां आपका टाइफ्लोसोल प्रेजेंट है, कौन सी दी है 23rd टू 25th के एक्सेप्ट, यहाँ नीचे, ठीक है, अगर आपको इसे मार्क करना होगा, दिस वुड बी योर 26th एंड 28th, ठीक है, टाइफ्लोसोल, टाइफ्लोसोल फोल्डेड है, जिसकी वजह से, जैसे हम लोगों में इंटेस्टाइन होती है इस तरीके से फोल्डेड विलाय होता है ना उसमें, इसी तरीके से ये भी फोल्डेड है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया. अब जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा, राइट. सो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ उसको हमारे लिए ह्यूमस थोड़ी बनानी है, राइट, इट ऑल्सो नीड्स टू गेट न्यूट्रिशन. तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से होगा, जब इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी. अब वो एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे, वो एब्जॉर्प्शन आपके कहाँ हो रहा है, टाइफ्लोसोल में, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, ठीक है. चल, फोल्डेड एरिया. The alimentary canal opens to the exterior by a small rounded aperture called the anus. जिस तरीके से humans में होता है, same उसी तरीके से anus यहाँ पे present है, and that is, again उसको describe करना होगा, small rounded aperture, ठीक है, hole की तरह. The ingested organic rich soil passes through the digestive tract, where digestive enzymes break down complex food into smaller absorbable units. Same, अगर आप देखो, जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, काफी हद तक हमारी तरह हैं. यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इन फूड एंड हम उसको कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है. ऑर्गेनिक रिच सॉइल थी, जो चीज अभी कॉम्प्लेक्स थी उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है, ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जा सके, अंदर लिए जा सके,
These simpler molecules are absorbed through intestinal membranes and are utilized, obviously, by the earthworm. Now, the earthworm, although helps us, needs its own nutrition. So, यहाँ पे जो आपका earthworm है, वो क्या कर रहा है? It is actually absorbing the food, ठीक है? अब यहाँ से ये folded region जो है, यहाँ पे अगर आपको देखो, ठीक है? यहाँ पे खोल के भी दिखाया हुआ है. These are your folds. So, this is a typhlosole. ये typhlosole path है नीचे से. यहां से आपका सारा जो है, जो भी एब्जॉर्प्शन है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है आपका, उसको ब्रेक किया गया. ओके, ब्रेक करने में आपकी किसने हेल्प की? गिजर्ड ने हेल्प की. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइफ्लोसोन ने, आपके एब्जॉर्ब करने की जो एक पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूरी की. ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक चीजें आपको अर्थवर्म में याद रखनी होगी जब व्हेन यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. एक है आपका गिजर्ड जो ग्राइंडिंग का काम करता है, और एक है आपका टाइफ्लोसोल जो कि प्रेजेंट है नीचे इंटेस्टाइन में. फोल्डेड स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन ऊपर होगा, नीचे आपका एब्जॉर्प्शन होगा. क्लियर? चलिए नाउ, Peritema exhibits a closed type of blood vascular system consisting of blood vessels, capillaries and heart. Now when you talk about earthworm, ठीक है? Earthworm के बारे में अगर हम बात करें, Peritema, the biological name, यहाँ पे आपकी सारी चीजें हैं. सबसे पहले तो आपका जो system है, यहाँ पे now we are talking about the circulatory system, तो closed है सबसे पहले. And क्या लिखा है? Vascular blood vessels हैं, ठीक है? ब्लड वेसल्स जिनमें आपकी कैपिलरीज भी हैं, ठीक है? कैपिलरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर हार्ट, ठीक है? सो ये आपका पूरा जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप बात करना चाहोगे अर्थवर्म की, सो वो स्टार्ट करें. नाउ वी आर डन विद द डाइजेस्टर. द सेकेंड इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. Due to closed circulatory system, blood is confined to the heart and blood vessels. When we study cockroach, वहां पे आपको open दिखेगा, वहां पे आपकी cavities होंगी and the whole body is just bathed in blood. But not here. When you talk about earthworm, earthworm में proper आपके blood vessels है, proper आपकी capillaries है, ठीक है? Contractions keep blood circulating in one direction. Smaller blood vessels supply the gut, nerve cord and the body wall. Contractions हमें भी होते हैं, हमारा heart contract करता है, blood push करता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ contraction होते हैं जिसकी वजह से जो blood है आपका through the blood vessels, further smaller blood vessels आपके कहाँ कहाँ जा रहा है? Gut में जा रहा है, नर्व कॉर्ड में जा रहा है, और आपकी बॉडी की वॉल में जा रहा है. सो जैसे हम लोगों में पूरा एक तरीके से देयर इज जंगल ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज एंड एवरीथिंग, वैसे यहाँ पे भी है आपकी, ठीक है? कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, जो स्मॉलर थिंग्स, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होंगे वहां तक आपका ब्लड जो है वो लेके जाएंगे, ठीक है? Blood glands are present on the fourth, fifth and sixth segments. They produce blood cells and hemoglobin which is dissolved in blood plasma. Ab fourth, fifth and sixth segment, theek hai? This, this and over here. Yahan pe kya present hai? Aapke blood glands. Jis tarike se humme bone marrow mein blood produce hota hai, inme hai blood glands. Ab wo kya produce kar rahe hai? Aapke blood cells और हीमोग्लोबिन. एंड दिस हीमोग्लोबिन यहाँ पे, जैसे हम लोगों में अगर हम बात करें, मैं क्यों कंपैरिजन करके बता रही हूँ? बिकॉज आपको याद हो जाएगा, हम लोगों में व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, वी हैव आरबीसीज जिनके अंदर आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है? विच गिव्स अ रेड कलर, ठीक है? अब ये हीमोग्लोबिन हम में आरबीसीज में है, बट व्हेन इट कम्स टू योर अर्थवर्म, दिस हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है? जब आप अर्थवर्म की बात करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है, राइट? ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, खा जाओ, ठीक है? अर्थवर्म्स लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस. यहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी की बात करें, लंग्स नहीं है आपके, गिल्स नहीं है आपके, ठीक है? रेस्पिरेटरी डिवाइसेस आर एब्सेंट ओवर हियर. स्पेशल एक तरीके का अपैरेटस जो हेल्प करे इसको ब्रीदिंग में, एज सच यहाँ पे नहीं है.
रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू मॉइस्ट बॉडी सर्फेस इन टू देयर ब्लड स्ट्रीम. सो डिरेक्टली जो आपकी बॉडी सर्फेस है उसके थ्रू गैशेस एक्सचेंज होगा. इस टाइप को क्या कहते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. इट इज नोन एज क्यूटेनियस, राइट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो अर्थवर्म की रेस्पिरेशन अगर बात पूछी जाएगी तो वो होगी क्यूटेनियस. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की हमने, वहां पे प्रॉपर हमारी तरह ही है. इट इज अ क्लोज टाइप, इट हैज अ हार्ट, इट हैज ब्लड वेसल्स, इट ऑल्सो हैज कैपिलरीज, राइट. ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी. नाउ उसके अलावा अगर हमको बात करनी हो, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट पे आपके ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट है. वो क्या करेंगे, आपका ब्लड बनाएंगे, ठीक है, प्लस हीमोग्लोबिन. एंड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन इन अर्थवर्म, वो कहां पे है, इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है. चलिए, नाउ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अकर एज सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया, और अगर आपका सिंगुलर की बात होगी तो वो होगा नेफ्रीडियम. सो यहां पे आपके जो एक्सक्रीटरी जो पूरा एक मैकेनिज्म है, एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, सिस्टम है, वो कौन मैनेज कर रहे हैं, दे आर बीइंग मैनेज्ड बाय नेफ्रीडिया. नाउ दिस वी हैड ऑलरेडी लर्नड इन किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे फाइलम एनेलिडा. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. नाउ अब नेफ्रीडिया जो आपके अर्थवर्म में प्रेजेंट है वो तीन टाइप के हैं. कौन से हैं, सेप्टल, इंटेग्यूमेंट्री एंड फेरेंजियल. सो तीन है. पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया, प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा, सेगमेंट 15 टू द लास्ट दैट ओपन इनटू इंटेस्टाइन. सो 15 सेगमेंट से लेके, ठीक है, यहां से लगभग आपके इंटेस्टाइन में जो ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ये कौन से हैं आपके, सेप्टल. इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सर्फेस. एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एट 3 पेयर टफ्ट इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, जहां पे फेरिंग्स की भी प्रेजेंस है. सो अगर हम थोड़ा बहुत सोचे, तीन टाइप के नेफ्रीडिया की बात हो रही है यहाँ पे. पहला है जो इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, एक है जो बॉडी सरफेस में जा रहा है, और तीसरा है जो फैरिंग्स में जाना है. एक तरीके से ये बाहर जाने के रास्ते हैं. ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में जो चीज जाएगी वो आपके एनस के थ्रू बाहर जाएगी. बॉडी सरफेस से जो चीज जा रही है बॉडी सरफेस तक, हमें पता है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन इज अकरिंग थ्रू द बॉडी सर्फेस, क्यूटेनियस है. सो अगर कोई गैशियस एक्सचेंज है जिसको बाहर निकलना चाहिए एक्सक्रीटरी प्रोसेस के थ्रू, वो आपका स्किन थ्रू निकल जाएगा. एंड लास्टली योर फैरिंग्स, फैरिंग्स इज जस्ट नेक्स्ट टू योर बकल कैविटी एंड द माउथ. सो वहां से, सो तीन रास्ते जो कोई भी ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आपके अर्थवर्म को हार्म पहुंचा सके, बाहर ले जाया जा सके, ऐसे आपके तीन हैं. पहला है सेप्टल, दूसरा है इंटेग्यूमेंट्री, और तीसरा है फेरेंजियल, ठीक है. सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ नेफ्रीडिया दैट यू सी. These different types of nephridia are basically similar in structure, काफी हद तक सेम है, ठीक है. नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. जैसे हम लोगों में हमारी किडनीज हैं जिसमें आपके कौन से छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट है, वी कॉल देम नेफ्रॉन, राइट. सो इसी तरीके से जो आपका अर्थवर्म है उसमें प्रेजेंट है नेफ्रीडिया. अब ये काफी सिमिलर है, तीनों नाम याद रखने हैं, सेप्टल, इंटेग्यूमेंट्री एंड लास्टली योर फेरेंजियल. ये याद रखिए, सेप्टम, सेप्टा, इंटेस्टाइन, इंटेग्यूमेंट्री बॉडी सर्फेस, फेरेंजियल फेरिंग्स, ठीक है. सो इस तरीके से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, पूरी बॉडी का जो एक यू कैन से ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, वो बनाने में जो हेल्प करते हैं वो है आपके नेफ्रीडिया, ठीक है. नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सिलोमिक चेंबर. द फनल कनेक्ट्स टू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम विच डिलीवर्स द वेस्ट थ्रू अ पोर्ट टू द सर्फेस एंड बॉडी वॉल इन टू द डाइजेस्टिव ट्यूब. सो अगेन वही चीज देखे कि फनल की तरह स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो सिलोमिक चेंबर से कनेक्ट हो जाए, फर्दर आपका ट्यूबुलर पार्ट से कनेक्ट होगा जो आपके कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को, ताकि वो आपका डाइजेस्टिव ट्यूब से होते हुए बाहर चला जाए. एंड इट डज नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी. कोई भी एक्सेस चीज ना कि सिर्फ हम में, बट अगर इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म
ऑल्सो डिपॉजिट्स देन दैट विल ऑल्सो कॉज हार्म टू इट. सो इसीलिए उनका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ वी हैव कवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से चीज नहीं दी गई थी, वहां पे क्यूटेनियस ही है. दिस इज योर एक्सक्रीटरी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया arranged segment wise on the ventral paired nerve cord. What is ganglia? अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक है, nephron कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है. इस तरीके से यहाँ आपके cells होते हैं, ठीक है, यहाँ further आपके synaptic clefts होंगे, यहाँ पे क्या होते हैं dendrites, dendron, right? इस तरीके से यहाँ से connected, okay. इस तरीके से कुछ होता है. तो जब भी हम इस पार्ट को लेबल करते हैं, हम लिखते हैं साइटॉन या फिर हम लिखते हैं पेरिकैरियन, ये लिखते हैं हम लोग. ठीक है, अब अगर मुझे गैंग्लियन बताना है तो गैंग्लियन को मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ. गैंग्लियन मतलब अ क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडी. ठीक है, सेल्स जो होते हैं उनका मेजर जो आपका साइटॉन है, बहुत सारे एक जगह हो जाए तो उस क्लस्टर को, उस ग्रुप को हम कहेंगे गैंग्लिया. ठीक है, गैंग्लियन सिंगुलर होता है, गैंग्लिया इज प्लूरल. सो गैंग्लियन में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी चीज है कि जब बहुत सारे साइटॉन इकट्ठे आ जाएंगे आपके, दैट वुड बी नोन एज गैंग्लियन. ठीक है, अब अगर बहुत सारे गैंग्लियन हो गए तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे गैंग्लिया. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ साइटॉन दे आर नोन एज गैंग्लियन, ग्रुप ऑफ साइटॉन. क्लियर, चलिए ठीक है, ओके. द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन. एंटीरियर रीजन मतलब कौन सा होता है, एंटीरियर मतलब ऊपर वाला. ठीक है, अब पोस्टेरियर मतलब नीचे वाला, डाउन. ठीक है, एंटेरियर पोस्टेरियर. जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एंटेरियर वेना कावा, पोस्टेरियर वेना कावा. एंटेरियर मतलब हमेशा सर, याद रखिएगा. ठीक है, एंटेरियर इज द हेड रीजन, पोस्टेरियर यानी नीचे वाला रीजन. ठीक है, सो द नर्व कॉर्ड इन द एंटेरियर रीजन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफर्केट्स लैटरली एनसर्कलिंग द फैरिंग्स एंड जॉइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे माउथ फैरिंग्स ईसोफेगस ये चल रहा है. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो नर्व कॉर्ड है थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में, ठीक है, यहाँ से आपकी वो बाइफर्केट हो जाएगी, दो में डिवाइड हो जाएगी. और किसको सर्कल कर रही है वो, फैरिंग्स को. ठीक है, लैटरली एनसर्कलिंग द फैरिंग्स. कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थर्ड एंड फोर्थ रीजन से, नर्व कॉर्ड फैरिंग्स को एनसर्कल करके नीचे जाएगी, यहां से बाइफर्केट हो जाएगी, जॉइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली पीछे की साइड टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. पूरा एक आपका रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जब आपकी नर्व कॉर्ड कौन सी, एंटेरियर ऊपर वाली नीचे आएगी, बाइफर्केट होगी, फैरिंग्स को एनसर्कल करते हुए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए गैंग्लिया को कवर करेगी. ठीक है, और कंटिन्यू होगी. The cerebral ganglia along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body. Now you must have seen the earthworm doesn't have eyes. हम लोगों ने अभी तक अर्थवर्म की आईज के बारे में बात ही नहीं की क्योंकि उसकी होती नहीं है. तो कुछ तो सेंसरी चीजें होंगी, वो कौन मैनेज कर रहा है, नर्व्स आपकी, आपका गैंग्लियन. ठीक है, जो अलग अलग गैंग्लिया प्रेजेंट है. अब ये ही आपको एक तरीके से सेंसरी इनपुट जो है ले रहे हैं, उनको प्रोसेस कर रहे हैं, प्लस ये भी कमांड कर रहे हैं कि अब मूवमेंट कैसी होनी चाहिए. अगर कोई अर्थवर्म ऐसे मूव कर रहा है और अगर सामने से ऐसे कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, इट विल चेंज द पाथ. ठीक है, अब ये पांच का चेंज होना जो है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द गैंग्लिया, नर्व्स के थ्रू. मसल कॉन्ट्रैक्शंस को भी वो बता रहा है, सेंसर्स के थ्रू सेंसरी जो भी इम्पल्स आ रही है उसको पहचान के एक्शन भी वो ले रहा है. सो कौन कर रहा है ये सब, द गैंग्लिया. सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज बट डज पजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स, जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर सेल्स, टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज एंड टू फील द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. नाउ यू मस्ट हैव सीन, जैसे मैंने भी बताया कि अर्थवर्म चलते हुए आया आपका, यहाँ आया. ठीक है, इट इज
मूविंग 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 यहाँ आया, अचानक से उसको लगा लाइट बहुत ज्यादा है या लाइट बहुत कम है. लाइट बहुत ज्यादा है यानी उसको समझ में आ जाएगा कि वो ग्राउंड के ऊपर आ गया है. ठीक है, अगर उसको लगेगा वाइब्रेशंस हो रहे हैं यानी आसपास कुछ है, सो इट विल डग डीप एंड वो नीचे चला जाएगा. तो ये जो है ये कौन कर रहा है, आपके रिसेप्टर सेल्स. और ये सेंसेस को रिसेप्टर सेल्स के थ्रू पहचान के कमांडिंग एक्शंस कौन दिखा रहा है, आपके गैंग्लिया. ठीक है, सेरेब्रल गैंग्लिया. Worms have specialized chemoreceptors, taste receptors, which react to chemical stimuli. These sense organs are located on the anterior part of the worm. Anterior part जो है आपका, क्योंकि उसी की तरफ से तो मूव कर रहा है ना वो, सो वहां पे लोकेटेड है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लाइट, उनको हम फोटो रिसेप्टर भी कहेंगे. ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स हैं ताकि वो टेस्ट करके बता सके कि ये क्या है. ऑब्वियसली दे आल्सो वांट टू ईट गुड फूड, है ना, उनको भी डेड एंड डिकेइंग लीव्स चाहिए. सो उसके थ्रू फोटो रिसेप्टर्स यानी लाइट के थ्रू, प्लस आपकी जो यहाँ पे हम बात करें टच की जो सेंसेस है उसके थ्रू अर्थ वर्म जो है अपना रास्ता बनाता है, अपना कंटिन्यू जो है वो करता है. ठीक है, चलिए नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वी आर डन विद नर्वस आल्सो, नाउ रिप्रोडक्टिव. अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट, दैट इज बाइसेक्सुअल. टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल. अब अगर यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्टिस भी मिलेगी, यहाँ आपको ओवरी भी मिलेगी, यानी कि जो हमारा अर्थवर्म है इट इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल के लिए और वर्ड क्या है, हर्माफ्रोडाइट. एक और वर्ड क्या है, मोनोशियस. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर ऑल जस्ट सिनोनिम्स, तो इनको ध्यान से सुने और समझें. ठीक है, चलिए. देयर आर टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट. नाउ कम ओवर हियर एंड यहाँ पे आपको दो टेस्टिस दिखेंगे. दिख रहा है टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, ये ठीक है, दो हैं पेयर्स हैं. ठीक है, टू पेयर्स. नाउ टू पेयर्स यानी फोर. टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस इन द अर्थ आर फोर. टू पेयर्स कहा है, वन पेयर कहा होता तो दो होती, बिकॉज इट वी हैव मेंशन्ड इट इज टू पेयर्स. द टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द अर्थवर्म आर फोर. ठीक है, देयर वाजा डिफरेंशियल रन अप टू द 18th सेगमेंट वेयर दे जॉइन द प्रोस्टेटिक डक्ट. नाउ इन द लोअर क्लासेस यू मस्ट हैव हर्ड और यू मस्ट हैव रेड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पे भी आपको वाजा डिफरेंशिया मिलेगी, बट यहाँ पे ये 18th सेगमेंट तक जा रही है जहां पे आपका प्रोस्टैटिक डक्ट है. ठीक है, ये अगर आप देखोगे टिपिकल ऑर्गेनिजम्स चूज करने के पीछे रीजन यही था, समवेयर डाउन द लेन दे आर वेरी क्वाइट सिमिलर, जो एटलीस्ट जो आपके ऑर्गन से कुछ कुछ आपके ह्यूमंस की तरह. ठीक है, हाँ, सो यहाँ पे आपकी जो वासा डिफरेंशिया ये वाली चल रही है. ठीक है, आई मार्क इट विद रेड, ये जो है ना, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला नीचे. तो 18 सेगमेंट तक आ गए हैं हम लोग. सो यहां से आपकी वासा डिफरेंशिया स्टार्ट हुए एंड दे रीच द प्रोस्टेटिक डक्ट जो कि आपके प्रोस्टेटिक ग्लैंड के पास है. चलिए, टू पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वन पेयर ईच इन 17th एंड 19th सेगमेंट, जो आपकी 17th और 19th सेगमेंट पे प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट वासा डिफरेंशिया opens to the exterior by a pair of male genital pore on the ventrolateral side of the 18th segment. Now when you talk about the 18th segment, यहाँ पे एक हम जब anatomy discuss कर रहे थे अर्थवर्म की, तो हमने देखा था वहां साइड में पोर्स थे, लैटरली थे. ठीक है, तो वो यही पोर्स की बात हो रही है, बिकॉज जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो यहीं से बाहर निकलेंगे एंड दे विल रीच अनदर अर्थवर्म थ्रू दैट. ठीक है, ओके, चलो. नाउ फोर पेयर्स ऑफ स्पर्माथिके आर लोकेटेड इन द 6th to 9th सेगमेंट, वन पेयर इन ईच सेगमेंट. फोर पेयर यानी टोटल कितने हो गए आपके, 8. ठीक है, नाउ दे आर लोकेटेड इन द 6th to 9th. 6 यहाँ पे आ गई है आपकी, 9th यहाँ पे है, ये वाला जो है, और यही हमको चार आपके स्पर्माथिके पेयर्स में दिख रहे हैं. ठीक है, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्माटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन. कॉपुलेशन व्हेन द अर्थवर्म्स कम टुगेदर. ठीक है, तो जब स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है, सी इट इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, तो एक स्पर्म देगा दूसरा भी स्पर्म देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कॉपुलेशन हो रही है, जब क्वाइटस की बात हो रही है यहाँ पे, तब आपका जो स्पर्माटोजोआ है उसको रिसीव करना और स्टोर करना किसका काम है, आपका स्पर्माथिके का. नाउ दीज आर 8
ठीक है, 6 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट है आपके। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच एज द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th and 13th सेगमेंट। अब आइए 12th and 13th सेगमेंट, तो ये जो येलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज योर ओवरी। वन पेयर दिखा यानी कितनी है, दो है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वन पेयर, टू पेयर, फोर पेयर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वन पेयर है तो दो है या चार है, या दो पेयर है तो दो ही तो नहीं है। सो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज विच कंटिन्यू इन टू ओविडक्ट, जॉइन टूगेदर एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर ऑन द 14th सेगमेंट। जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो आपका 14th होता है वहां पे एक पोर होता है विच इज अ फीमेल जेनिटल पोर। सो यहाँ पे, ठीक है, दीज आर योर ओवेरियन फनल, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ओवेरियन फनल प्रेजेंट है ओवरीज के नीचे, राइट, वेरी गुड। वो ज्वाइन कर रही है आपके, कंटिन्यू कर रही है आपके ओविडक्ट में, और वो वेंट्रल साइड में एक फीमेल जेनिटल पोर की तरह ओपन हो रहा है, राइट। नाउ अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन टू वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग। एक देगा, दूसरा भी आपको स्पर्म्स ही देगा। स्पर्मेटोजोआ जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। One worm has to find another worm and they mate juxtaposing opposite gonadal openings, exchanging packets of sperm called spermatophores. Now, if you remember, हमारा earthworm कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और हमने एक जगह देखी थी कि यहाँ पे clitellum भी था। Now that is essentially the band जहाँ पे सारी चीजें होंगी, ठीक है। Mature sperm and egg cell and एक मिनट रुकेगा, okay. Mature sperm and egg cells and nutritive fluid are deposited in cocoons produced by gland cells of clitellum. जो मैंने अभी आपको clitellum बताया, अब होगा क्या? हमने कहा एक दूसरे के साथ exchange of spermatozoa, very good. Sperma थी के क्या करेगा? It will receive and store that thing, ठीक है? अब जब fertilization होगा, तब एक nutritive fluid के साथ these will deposit cocoons, not eggs but cocoons, ठीक है, जिसमें से larvae निकलते हैं, but यहाँ पे larvae नहीं निकलते हैं, यहाँ पे directly आपका earthworm ही निकलता है बाहर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही cocoon burst open होगा, उसमें से the direct development takes place, there is no larva present, okay? So यहाँ पे क्या करता है, जब आपका clitellum, जो अभी band मैंने दिखाया था, वो हेल्प करता है ये कुकून के फॉर्मेशन में। सो आपके कुकून में क्या है, ठीक है, स्पर्म है, ठीक है, प्लस एग है, प्लस इन दोनों के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम है, एक न्यूट्रिशन जो मिलता रहे, अदरवाइज ये सॉइल में डाल दिए जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। जो आपके कुकून्स हैं, ये ऐसे ही सॉइल में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। अब इफ दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ बाय द पेरेंट्स, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू मैच्योर, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम न्यूअर इंडिविजुअल्स। सो वहां पे इसके लिए आपका कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिटिव मीडिया या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली चीज होनी चाहिए। वो कौन दे रहा आपको? क्लाइटिलम डिपॉजिट करेगा प्रॉपर पैकेट बना के, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कुकून्स विच आर डिपॉजिटेड इन सॉइल। जो मैंने अभी आपको बताया, फर्टिलाइजेशन है, जो भी आपका पूरा प्रोसेस है वो आपके कुकून के अंदर होगा। द ओवा एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म सेल्स विद इन द कुकून विच देन स्लिप्स ऑफ द वर्म एंड इज डिपॉजिटेड इन और ऑन द सॉइल। जो आपका ओवा है वो जैसे ही फर्टिलाइज हुआ, कुकून बन के बाहर। द कुकून होल्ड्स अ वर्म एम्ब्रियोस आफ्टर अबाउट 3 weeks. Each cocoon produces 2 to 20 baby worms with an average of 4. यानी कि एक cocoon से आपको 2 to 20 तक worms मिल सकते हैं, average 4 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे cocoons जो हैं, आपका कौन deposit करता है? earthworm. Time कितना लग रहा है? 3 weeks. 3 weeks के बाद आपको कितने earthworm मिलेंगे? या तो 2 या 20. Average क्या है? Generally 4. ठीक है, a lot of numbers, but याद रखें। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म्स इज डायरेक्ट, दैट इज देयर इज नो लार्वा फॉर्मेशन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दीज आर द कुकून्स दैट द अर्थवर्म डिपॉजिट, ये ठीक है, दीज आर द कुकून्स जो आपके अर्थवर्म के थ्रू डिपॉजिट होंगे, एंड इनसे आपके 2 to 20 अर्थवर्म्स बाहर आएंगे, और ये 2 to 20 में एवरेज 4 तो हो गई। टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी
3 weeks. ठीक है, सो इन 3 weeks विल हैव अ नंबर ऑफ अर्थवर्म्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन अकर्स, डेवलपमेंट अकर्स. नाउ earthworms are known as friends of farmers because they make burrows in the soil and make it porous, which helps in respiration and penetration of developing plant roots. Soil hai, burrow kiya, ye soil bahar, aeration ho gayi, plant roots jo hai wo aur deep ja payenge. Ab isi process ke liye vermicompost, ठीक है, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, घरों में भी यूज की जा रही है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आपने सुना हो. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में दीज थिंग्स आर लिटरली वेरी गुड बिकॉज फिर आपको एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो वर्मी कंपोस्ट इज अ वंडरफुल वे टू अचीव दैट. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थवर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, वर्मी कंपोस्टिंग से हम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर सकते हैं दो तरीके. एक, एरेशन हो रहा है, जैसे अर्थवर्म मूव करेगा सॉइल बाहर, एरेशन हो रहा है. सेकेंड, जो मैंने बताया कि जो इसके थ्रू सॉइल निकल के बाहर जा रही है, राइट, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, न्यूट्रिटर मीडिया जो है सॉइल में वो बढ़ जाएगा. सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी. तीसरा, दे आर ऑल्सो यूज्ड बेट इन गेम फिशिंग. अगर फिशिंग करनी है तो भी अर्थवर्म्स को बेट की तरह, यानी कि किसकी तरह, चारे की तरह यूज किया जाता है फॉर दोज हु गो फिशिंग. ठीक है, ताकि इसको देख के जो हुक है इसमें अर्थवर्म को फंसाया जाता है एंड देन द फिश सीज इट, इसको पकड़ने के चक्कर में मछली कांटे में फंस जाती है. ठीक है, सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ योर अर्थवर्म. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई होप इट वुड हैव बीन ईजीली अंडरस्टैंडेबल. अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट डाउन. कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको और ज्यादा समझाऊं, आप मुझे बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि फटाफट खोलनी है एनसीईआरटी. एनसीईआरटी खोलिए, इसको रीड कर लीजिए. थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इट माइट टेक अराउंड हाफ एन आवर और सो, बट मेक श्योर यू रीड इट. जस्ट मेक नोट्स अपने तरीके से. इस वीडियो को दोबारा देख के जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ हिंदी में समझाया है, उसको साइड में नोट डाउन कर लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर योर रिविजन नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सो एनसीईआरटी खोलें, नोट्स बना लें. अब कुछ क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करके देखें, जैसे गिजर्ड का काम क्या है, कौन सी सेगमेंट्स पे होता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसे बना है, ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है अर्थवर्म में. इस तरीके के क्वेश्चंस अपने आप से पूछें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपके पास अगर कोई बुक्स हैं उनके थ्रू सॉल्व करें, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि हमें करना क्या है और हमारी तैयारी कितनी है. ठीक है, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन कीप स्टडिंग. ठीक है, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस, कीप स्माइलिंग. थैंक यू, टेक केयर.